Ozonolysis, addition of ozone to alkenes is known as ozonolysis. जब हम एल्कीन्स में ओजोन मॉलिक्यूल जो कि O3 होता है उसको ऐड करते हैं तो ओजोनोलिसिस हो जाता है एल्कीन्स का, जिससे हमें एल्डिहाइड्रेन कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो इंटरमीडिएट बनता है उसको हम ओजोनाइट बोलते हैं। कुछ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है ये। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें ब्यूटूइन का, जिसमें सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अगर हम ब्यूटूइन का एग्जाम्पल देखें और उसमें ओजोन मॉलिक्यूल जो कि O3 है उसका एडिशन करवाएं, तब ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ओजोन O3 जो तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों कार्बन के अराउंड आ जाएंगे। जैसे कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन दो कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा और दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नीचे जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों के ऊपर दिखाना है हमें और दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ नीचे की तरफ दिखाने हैं। इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, जिसका नाम हम ओजोनॉइड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब कुछ आगे इस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी कि अगर हम इसमें जिंक प्लस H2O डालें और रिमूवल करवाएं ZnO का, तो होगा ये कुछ कि अगर हम यहाँ से ऐसे दिखाएं इसको, दोनों तरफ से बॉन्ड को कुछ इस तरीके से ब्रेक कराएं कि बनेगा हमारे पास CH3CH&O, दैट इज़ एन एल्डिहाइड ऑफ टू कार्बन्स, जिसको हम इथेनल्डिहाइड भी बोलते हैं, और इस साइड से भी दो कार्बन का एल्डिहाइड बनने वाला है जिसको हम इथेनल बोलेंगे। मतलब हमारे पास फाइनल रिएक्शन में दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ZnO कब रिमूव होगा, जब ये वाला ZN इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तब हमारे पास एज अ एल्डिहाइड एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। बट अगर हम कीटोन्स की बात करें इस रिएक्शन में, हम कीटोन्स कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम कोई मॉलिक्यूल लें इसमें 2-मिथाइल ब्यूटूइन, दैट इज सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दें और डबल बॉन्ड वही टू और सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में ही रहे और उसके अंदर ओजोन मॉलिक्यूल का हम ऐड करवाएं, तब ओजोनाइट तो उसी दो कार्बन के ऊपर बनेगा। मतलब ऑक्सीजन तो अभी भी एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ेगा और दो ऑक्सीजन नीचे, बट ये जो CH3 है वो इस कार्बन से बॉन्ड बना के ही रहेगा। जैसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में H था, अब H की जगह हम यहाँ पे CH3 ले आए हैं। तो अब होगा क्या, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करवाएं दोनों ये वाले, तो CH3C(OO)CH3, दैट इज़ ए कीटोन बन गया जिसका नाम एसीटोन या फिर हम प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, एंड इधर से CH3CH एंड ऑक्सीजन ये वाला, दैट इज एल्डिहाइड भी बन गया। मतलब इसमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स बन रहे हैं अगर हम इसका आगे रिएक्शन करवाएंगे जिंक एंड H2O के साथ, और ZnO को माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस द इंटरमीडिएट फॉर्म इज नोन एज ओजोनॉइड, जो कि ये दोनों इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसको हम ओजोनॉइड बोल रहे हैं, एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर एल्डिहाइड इन कीटोन। मतलब अब ऊपर वाली रिएक्शन में हमने देखा कि दोनों एल्डिहाइड बन रहे थे, बट नीचे वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक कीटोन भी बन रहा है और एक एल्डिहाइड भी बन रहा है। इस एल्डिहाइड का नाम भी वही सेम होगा, इथेनल्डिहाइड।